वेलकम टू टेक एक्सपर्ट, स्वागत है आप सभी का साइंस फन और इलेक्ट्रिक की बिल्कुल ही नई दुनिया में। भारत में त्योहार का सीजन चल रहा है, ऐसे में कोई नई कार खरीद रहा है तो कोई नई बाइक, लेकिन आज हम आपके लिए ऐसी हाइब्रिड मोबिलिटी लेकर आए हैं जो आपको काफी पसंद आ सकती है। हाइब्रिड मोबिलिटी को अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक स्कूटर होती है जो बिजली और पेडल दोनों से चलती है, यानी आप इन्हें साधारण स्कूटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरह भी। अगर आप पैदल चलाना नहीं चाहते हैं तो इसके मोटर को ऑन करके इसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बैटरी खत्म होने के बाद आप इन्हें साधारण स्कूटर की तरह भी चला सकते हैं। आपको बेहतर राइडिंग का अनुभव मिले इसके लिए इनमें आपको कई मोड्स मिलते हैं। तो जानते हैं कि इन हाइब्रिड मोबिलिटी आपको कैसी लगती है। गाइस, इस मोबिलिटी को कंपनी ने नाम दिया है बायो हाइब्रिड, जो दिखने में काफी स्मार्ट लगती है। इसके अलावा इसे आप कार्गो स्कूटर भी कह सकते हो, इसमें आप सामान डिलीवर भी कर सकते हो। बायो हाइब्रिड मोबिलिटी की कीमत के बारे में कंपनी ने खुलासा नहीं किया है। इसमें 48 वोल्ट एंड 250 वाट की बैटरी दी गई है। यह साइकिलिंग सिंगल चार्ज पर 100 किलोमीटर तक का रेंज देती है। इस मोबिलिटी में दो मोटर दी गई है जो अप्रोक्सीमेट 50 किलोमीटर एंड 50 किलोमीटर यानी 100 किलोमीटर का रेंज देती है। वहीं अगर चार्जिंग की बात करें तो इसे फुल होने में 3.4 घंटे का समय लगता है। इसमें कंटिन्यूसली वेरिएबल गियर दिए गए हैं, इसके साथ इसमें रिवर्स गियर भी दिया गया है। इसके अलावा इसमें दिए मोड को एक्टिव करने के बाद यह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। वहीं अगर फीचर की बात करें तो इसमें एलईडी लाइट्स के साथ हैंडल पर एक डिस्प्ले भी दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक साइकिल में ट्यूब वाली व्हील्स दी गई है। स्मार्टफोन एंड स्मार्टफोन वॉच से ऐप कनेक्टिविटी फीचर, कीलेस एंट्री के साथ वाईफाई, 4G, ब्लूटूथ, जीपीएस जैसी कनेक्टिविटी दी गई है। डायमेंशन की बात करते इस मोबिलिटी की लेंथ 2180 mm विथ 855 mm और हाइट 1530 mm दी गई है। इसके साथ 1544 mm व्हील बेस दिया गया है। वेट की बात करते इस स्कूटर का वेट अप्रोक्सीमेट 100 किलोग्राम दिया गया है। इसके अलावा इसमें स्टोरेज स्पेस लगेज 18 लीटर का दिया गया है। ड्राइव ट्रेन की बात करें तो इसमें बायो हाइब्रिड पेडलिंग यानी ये मोबिलिटी दो तरह से चल सकती है। अगर बैटरी खत्म हो जाती है तो आप पेडल के जरिए चला सकते हैं। गाइस, क्या ऐसी मोबिलिटी इंडिया में आनी चाहिए? अगर आ गई तो क्या इंडियन पुअर लोग इसे खरीदेंगे? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल टेक एक्सपर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, बाय।